इलाके राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को राजेंद्रनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तेजपुर गड़बड़ी पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था और 7 से 8 दुकानों में तोड़फोड़ कर व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 19 नवंबर की शाम को थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर अड़ीबाजी करने और चाकू लहरा करके आम जनता को भयभीत करने वाले 8 बदमाशों में से 6 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी सती टेकरी बाईपास रोड पर ये हथियारों से लैस होकर के पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। घटना इस प्रकार है कि 19 नवंबर की शाम को तेजपुर गड़बड़ी मल्टी में लक्की सोनू काला, गिरीश उर्फ पंडित सोनू सोलंकी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि फरियादी दिनेश और मुकुंद से अवैध अड़ीबाजी करके अवैध रूप से रुपयों की मांग की गई है और नहीं देने पर मारपीट करके उनको चोटें पहुँचाई। इसमें एक जो फरियादी था उसको पैर में चाकू की चोट आई थी और दूसरे फरियादी को हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोटें आना मेडिकल में स्पष्ट हुआ था। इन्हीं आरोपियों के द्वारा सहज रेजिडेंसी स्कीम 103 के सामने दुकानों पर दुकानदारों को चाकू लहरा करके डराया धमकाया गया था और अड़ीबाजी करके ज़बरदस्ती दुकानें बंद करने की और रुपयों की मांग की गई थी। साथ ही 2 दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस पर से इन आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुए थे जिसमें 757/19 धारा 327, 294, 506, 427, 34 IPC का दर्ज हुआ था और दूसरा अपराध 758/19 327, 294, 506 और 34 IPC के तहत पंजीबद्ध किया गया था। इन सार्वजनिक स्थान पर भय कारित करने वाली घटना करते हुए इन आरोपियों के CCTV फुटेज भी प्राप्त हुए थे और पूरी गंभीरता से इसमें तलाश के लिए SP वेस्ट और उनकी टीम को निर्देशित किया गया था। इसमें एडिशनल SP मनीष खत्री के द्वारा इसमें तत्काल टीमों का गठन किया गया। इसमें TI राजेंद्र नगर की टीम CSP पुनीत गहलोत के नेतृत्व में बनाई गई और उसमें लगातार कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर और अन्नपूर्णा के स्टाफ ने इनकी गिरफ्तारी के लिए गंभीर प्रयास चालू किए। इसमें 21 तारीख को थाना प्रभारी राजेंद्र नगर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राव तेजाजी नगर बाईपास पर सती टेकरी के पास हनुमान मंदिर के बाजू में 3 के चादर में एक शेड है, वहाँ पर ये कुछ आरोपी छुपे हुए बैठे हैं जो पेट्रोल पंप पर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। इस पर से गवाहों को साथ में लेकर के पुलिस टीम ने डिफरेंट अलग अलग पार्टियां बना करके इस पूरे स्थान को घेरा और उसमें 8 लोगों का होना वहां पर पाया गया। इसमें जब टीमों के द्वारा दबिश दी गई तो उसमें मौके पर से 6 लोग टीमों के द्वारा पकड़े गए और 2 लोग पीछे के रास्ते से भाग निकले।